आज हम करेंगे क्लास 8th एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन फर्स्ट है, 3.1 हमने कर चुके हैं पहले ही, एंगल्स पे डिपेंड थी हमारे पास। इसी तरह है क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड एक्स, एक्स हमें फाइंड करना है इन द फिगर। ये फिगर आपको दी हुई है और इसमें से आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। पहले हमने क्या किया, ये आपको दे रखा है 125 125, और ये आपको दे रखी है एक्स। इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज 180। हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, 180। यहाँ पे मैंने क्या नोटेशन दे दी, इस एंगल को मैंने एम नाम दे दिया और इसको एन। तो इनको अगर हम प्लस करेंगे एक लीनियर पेयर हो जाएगा, तो 125 प्लस एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180। एम की वैल्यू फाइंड करेंगे, 180 माइनस 125 एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 55। ये हमारे पास आया 55। इसी तरह से फिर हम इसको फाइंड करेंगे, एन प्लस 125, ये भी एक लीनियर पेयर हो जाएगा आपके पास। 125 प्लस एन इज इक्वल टू 180। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 125 एन इज इक्वल टू 55। अब हमारे पास x फाइंड करना है। पिछले में भी पढ़ा था हमने कि कोई भी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है उस वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो हम क्या बोल देंगे, एक्सटीरियर एंगल x, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मींस बाहर वाला एंगल x है, वो किसके इक्वल है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम m प्लस n के इक्वल होगा, x इज इक्वल टू m, हमारे पास कितना आया 55, और n भी कितना आया 55। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 55 प्लस 55, कितना आ गया x की वैल्यू आपके पास आई, 110। सेकेंड है, आपको फिगर दी हुई है और फिगर के अंदर के सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पेंटागन। कितनी साइडेड है, 1 2 3 4 5, 5 साइडेड है, तो हमारे पास क्या बनेगी, पेंटागन। एक पेंटागन के सभी एंगल्स का टोटल एंगल्स का सम कितना होता है वो हम फाइंड करेंगे। n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 फॉर्मूला है हमारे पास। n की वैल्यू क्या है, 5 है हमारे पास, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, 5 माइनस 2 क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 180, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 514। अब हम इसी तरह से हम फाइंड करेंगे, इसके एंगल्स का मैंने नाम दे रखा है 1 2 3 4 5, इंटीरियर एंगल्स हैं उन सभी का हमने नाम नोट कर लिया 1 2 3 4 5। अब देखते हैं एंगल 1, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री है, इधर भी 90 है, तो इधर भी क्या है 90, तो एंगल 1 प्लस 90 कितना आ जाएगा, 180 के इक्वल होगा। लीनियर पेयर एंगल दिखा देंगे, एंगल 1 कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। इसी तरह सेकंड है, एंगल 2 प्लस 60 इज इक्वल टू क्या आएगा, 180। एंगल 2 आ जाएगा, 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। थर्ड है हमारे पास एंगल 3 प्लस 90, एंगल 3 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। एंगल 3 की वैल्यू आएगी, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू क्या आया आपके पास, 90। एंगल 4 प्लस 70, एंगल 4 प्लस 70 इज इक्वल टू 180। एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 70, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 110। और लास्ट है हमारे पास एंगल 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे हमें ना एक्स की वैल्यू पता ना एंगल 5 की वैल्यू पता, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे कैसे, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे, सम ऑफ ऑल पेंटागन्स, जो पेंटागन्स है उसके सभी एंगल्स का सम कितना आना चाहिए, 540। तो हम प्लस कर देंगे, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, सभी की वैल्यू हमने फाइंड की है। 1 की वैल्यू आई 90, 2 की 120, 3 की 90, 4 की 110 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 540 आ गया आपके पास। अब हम इन सभी को प्लस करेंगे, 90 प्लस 120 प्लस 90 प्लस 110, सभी को प्लस करेंगे क्या आएगा, 410 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू क्या आया, 540। एंगल 5 इज इक्वल टू 540 माइनस 410 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 130। इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, एंगल 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। एंगल 5 की वैल्यू हमने क्या निकाली, 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 50। यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ इरेगुलर पॉलीगन।
एक रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन की कंडीशन क्या थी, हमारे पास क्या होगा, सभी साइड्स इक्वल होंगी एंड सभी एंगल्स इक्वल होंगे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, रेगुलर पॉलीगन। अब क्या दे रखा है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स निकालने में कितने डिग्री का होगा, नाइन साइड है, नाइन साइड है, तो पहले हम क्या देखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, तो किससे निकालेंगे, n माइनस टू मल्टीप्लाई 180, n की वैल्यू क्या दे रखी है, नाइन साइड है, इट मीन्स 9 माइनस टू मल्टीप्लाई 180, 9 माइनस टू क्या आएगा 7, मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 1216, ईच एक्स इंटीरियर एंगल। अब हमारे पास हर एक इंटीरियर एंगल कितने कितने डिग्री का होगा, तो इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 9 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1260 बाई 9, इसको डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 140, इट मीन्स हर एक इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा 140 का। लेकिन हमारे से क्या पूछा गया है, एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, लीनियर पेयर पे एंगल कितने का होता है 180 का, अब उसका इंटीरियर क्या हो गया 140, तो एक्सटीरियर कितना बचेगा 40 डिग्री। इसी तरह सेकंड है, सेकंड के अंदर आपको कितना दे रखा है, 15 साइड्स दे रखी हैं, तो सम ऑफ एंगल्स निकाल लेंगे, 15 माइनस टू मल्टीप्लाई 180, 15 माइनस टू क्या आएगा 13 और मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2340 डिग्री। अब ईच इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या आएगा, इसको हम 2340 को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 15 में, क्योंकि हमारे पास 15 साइड्स हैं, तो इसको 15 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 156। अब एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 180 में से 156 माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 24 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव, आपके पास एक रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड्स होंगी, इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री, अगर आपके पास एक्सटीरियर एंगल है वो कितनी 24 डिग्री का है, तो हम मान के चल रहे हैं कि लेट नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू एन, कि हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स क्या है एन, एन हमारे पास साइड्स हो गई। अब हम क्या लेके चलेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, कोई भी रेगुलर पॉलीगन है तो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 360, नंबर ऑफ साइड्स निकालने हमें, इसको डिवाइड कर देंगे 360 को 24 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हर एक एंगल कितने डिग्री का है 24 डिग्री का है, तो 360 डिवाइडेड बाई 24 कितनी साइड्स आ जाएंगे आपके पास 15 साइड्स, उस रेगुलर पॉलीगन की 15 साइड्स होंगी जिसका हर एक एंगल 24 डिग्री का है। नेक्स्ट है हाउ मेनी साइड्स डज ये रेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड्स होंगी है इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165, अब इंटीरियर एंगल दे रखा है तो उसी की तरह हम इसको भी करेंगे, लेट नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास क्या हो जाएगा एन, एक्सटीरियर एंगल क्या कर देंगे 180 में से 165 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है एक्सटीरियर एंगल निकालना है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360, तो इसलिए हम इंटीरियर को माइनस कर देंगे 180 माइनस 165 इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन कितना होता है 360, नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेंगे 360 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू कितनी साइड्स आ जाएंगे आपके पास 24 साइड्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट है इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री, क्या कोई भी हमारे पास ऐसे रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का है, उसके लिए हमें क्या करना हो, अगर हमारे पास 360 22 से डिविजिबल हो जाता है कम्प्लीटली तो हम बोल देंगे कि हाँ ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं, तो हमारे पास 360 को अगर हम 22 से डिवाइड करते हैं तो वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता, अगर वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता तो हम क्या बोल देंगे नो इट इज नॉट पॉसिबल। इसी तरह सेकंड है, क्योंकि हमारे पास अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन में आता है, और कभी भी क्या आपके पास साइड फ्रैक्शन में हो सकती है, साइड्स तो कभी भी नहीं हो सकती फ्रैक्शन में, इसलिए हम उसको नॉट पॉसिबल बोलते हैं। सेकंड है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन के अंदर ऐसा हो सकता है, व्हाई एंड क्यों, नो बिकॉज ईच एंड एक्सटीरियर एंगल इज 180, अगर आपके पास क्या दे रखा है यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल
22 डिग्री। अगर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री दे रखा है तो यहाँ पूछ रखा है इंटीरियर एंगल के लिए क्या हो सकता है, तो हम इसके लिए एक्सटीरियर निकाल देंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन में बोल दिया कि फर्स्ट कॉम से रिलेटेड है हमारे पास सेकेंड भी, उसमें हमें क्या दे रखा था एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री, इसमें बोल रखा है कि अगर इंटीरियर एंगल 22 डिग्री होगा तब पॉसिबल है, तो उसके लिए फिर हम एक्सटीरियर निकालेंगे। 180 माइनस 22 क्या आ जाएगा 158 है। अब 158 से भी डिवाइड नहीं होता 360, इसलिए क्या बोलेंगे विच इज नॉट ए डिविजिबल ऑफ 360, सो नो इट इज नॉट ए पॉसिबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन के मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने पॉसिबल एंड व्हाई। द इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल क्या होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, बीइंग ए रेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन ऑफ थ्री साइड्स जो थ्री साइड्स की है, हैज द लीस्ट मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब अगर हम फोर साइडेड रेगुलर पॉलीगन लेते हैं तो उसमें क्या आता है एंगल का सम 360 होता है, हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का है, तो कम से कम हमारे पास कितने साइडेड है थ्री साइडेड ऐसी है, थ्री से कम हमारे पास कोई रेगुलर पॉलीगन है ही नहीं, तो इसलिए हमने थ्री साइडेड रेगुलर पॉलीगन ली जिसकी सभी साइड्स इक्वल होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम दे देते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है 180, सभी इक्वल है तो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, थ्री एक्स इज इक्वल टू 180, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 60 डिग्री, तो हमारे पास पॉसिबल है और वो कितने डिग्री की होगी 60 डिग्री का। नेक्स्ट, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, इसके इंटीरियर एंगुलर क्या होंगे वाई, वी कैन ऑब्जर्व दैट, हमने ऑब्जर्व किया कि द ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल इज कि इसका ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा 180 माइनस 60, क्योंकि हमारे पास 180 लीनियर पेयर का सम होता है और इंटीरियर एंगल हमारे पास कितना है 60, तो एक्सटीरियर क्या आ जाएगा माइनस कर देंगे 120। एक्सरसाइज कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।